हेलो गाइस, मैं पंकज पालीवाल आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सिंगल जोन में। और आज का जो एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 2, और आज के एपिसोड का नाम है पैसे का प्यार। ये जो स्टोरी है ये मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड आशुतोष की है, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। चलिए सुनते हैं उनके। हेलो गाइस, आई एम आशुतोष फ्रॉम दिल्ली। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, बट मैं पास्ट 5 ईयर से यहीं दिल्ली में हूँ। और ये जो मेरी स्टोरी है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक उस रैबिट की तरह था जो ना कहीं रुकता था और फास्ट भी था, बट स्टिल हार गया। और आई स्टार्ट दिस स्टोरी नाउ। सो आई स्टिल रिमेंबर द डे 22nd of September 2011, जब मैं रिलेशन में आया था। और मैं बहुत खुश था, बहुत प्यार करता था उससे। और जो हमारा ब्रेकअप हुआ वो हुआ 17th of June 2013। और उसका जो रीज़न था ब्रेकअप का, वो सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरा हार्ट बाहर निकाला हो, हैमर से उसे ब्रेक किया हो, तोड़ दिया हो, फोड़ दिया हो, और फिर वापस मुझे दे दिया हो कि लो इसे रख लो। अब ऐसा क्यों हुआ, उसने क्या बोला, वो मैं भी बताता हूँ आपको। उसने मुझसे बोला नहीं, एक्चुअली उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। मैंने उसे बताया कि मेरी सैलरी 15,000 है। अब उसने बोला कि इतनी कम सैलरी और इतना तो तुम सारा मेरे पे खर्च कर देते हो, तो तुम सेव क्या करते हो। मैंने कहा मेरा प्यार तू है, तू ही मेरी सेविंग है। तो उसने बोला नहीं यार, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हैं और तुम उतने हो नहीं। तो मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। तो उसने बोला कि उस सच्चे प्यार को अपने वहाँ डाल ले। तो ये सुनने के बाद तो मैं क्या गया था, मैंने ट्राई किया काफ़ी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी ट्राई किया, मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं, बहुत ही कम रिप्लाई आते थे। और हाँ, उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर दिखती थी किसी ओल्ड मैन के साथ, शायद उसे डेट कर रही थी, कभी गोवा की, कभी कहीं की, कभी कहीं की। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, ना मैं कभी रिलेशन में आया और ना कभी आऊँगा। यही स्टोरी थी छोटी सी, मैंने छोटी बनाई, वैसे बहुत बड़ी थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे लिए। चलो, वैसे तो मैं बहुत ही फंकी टाइप था उसको मिलने से पहले, बट जब से हो गई मैं एक काफ़ी लिमिटेड और डाउन टू अर्थ बन चुका हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच, मुझे मेरी शेयर करने का मौका दिया आपने स्टोरी को, थैंक यू सो मच। सो इट्स टाइम फॉर सम एडवाइस। एडवाइस तो मेरी आशुतोष को यही है कि जो आपको लव करे उसे डबल लव कीजिए, और जो आपको लव नहीं करे उसे मत कीजिए। हाँ, एक लिमिट तक रिलेशन को सेव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो लेट इट बी एंड मूव ऑन। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही। और हाँ, लव में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके आसपास और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लव करने की, चाहे वो फ्रेंड से मिले या किसी क्रश से मिले या व्हाटएवर, और कहीं से भी और कैसी भी लव की, तो उसे कैसे भी कैसे करके ग्रैब कर लीजिए और लव कीजिए, लिमिटलेस कीजिए। एंड दैट्स इट, इट्स इनफ। एंड एक रिक्वेस्ट मेरी व्यूअर से है कि अगर आपके पास हमारे शो से रिलेटेड या कोई भी कैसी भी स्टोरी है, तो प्लीज़ टेल अस इन कमेंट बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।